नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। झारखंड की स्थिति दिनों दिन क्या बयां करें, आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। विकास जहां होना चाहिए वहां हो नहीं रहा है और पैसे का दुरुपयोग लगातार देखने में आ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एगारकुंड से भी दिखाया था कि नाली का निर्माण सिर्फ कागज पर हुआ और जहाँ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए थी वहाँ नाली बना ही नहीं। पैसे का उपयोग निजी विद्यालय में चबूतरा बनाने के लिए किया गया जिसकी जांच चल रही है, परंतु जहां इसकी आवश्यकता है वहां इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निरसा ब्लॉक अंतर्गत पांड्रा पश्चिम के पूर्व मुखिया रविंद्रनाथ धीवर जी आज हमारे साथ हैं। ये कल से ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि सरकार इनकी बात मान नहीं रही है। जिस समय इनकी धर्मपत्नी मुखिया थी उन्होंने उस समय के वर्तमान सांसद पशुपति नाथ सिंह से निवेदन किया और उन्होंने अनुशंसा भी किया कि जो श्मशान घाट इनके पंचायत के बगल में है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, परंतु सौंदर्यीकरण ना होकर वहां पुल का निर्माण हो रहा है जिससे श्मशान का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला, इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि इसके पीछे का खेल क्या चल रहा है। स्वागत आपका। थैंक यू आपको। रविंद्र जी, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को आप बताएं ताकि वो समझ जाए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे भूख हड़ताल पर आए हैं। देखिए, ये जो है हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं बहुत ही लाचार से बैठे हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो एक साल पहले वर्तमान मुखिया श्रीमती चाइना दीवर थी वो अनुशंसा की थी कि हमारे जो पांड्रा पश्चिम पंचायत के पोषण नदी पर जो हम लोग का श्मशान घाट है उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाए। उसमें एक लिखित आप उस टाइम वर्तमान सांसद पीएन सिंह थे उसके लेटर में भी उपायुक्त महोदय को दिया गया अनुशंसा करके, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी हमारा श्मशान घाट पोषण नदी पर नहीं हुआ। पिछले 6 महीना से श्मशान घाट तो बना नहीं, लेकिन पिछले 6 महीने से उसके विपरीत उसका श्मशान घाट के बीचों बीच एक पुल बनाया जा रहा है जिसके फलस्वरूप हम लोग का श्मशान घाट अस्तित्व खतरे में है। मतलब श्मशान घाट अगर वहाँ पुल बन जाता है तो श्मशान घाट हम लोग का खत्म हो जाए। तो हम लोग का यही डिमांड है, मांग है कि हम लोग पहले जिला प्रशासन को लिखे, मुख्यमंत्री को लिखे, ये विस्तृत रूप से हम लोग ग्रामीण उन्नयन समिति के बयान में लिख के दिए 7/5/2024 को। उसके बाद जब उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम ग्रामीण उन्नयन समिति एक बैठक की। बैठक करने के बाद वो एक तय किया कि नहीं, अब हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। तो उसमें तय हुआ कि हम लोग भूख हड़ताल में जाएंगे। तो 18/6/2024 को भूख हड़ताल का तय हुआ। ये अंतिम पैदान माना जाता है, भूख हड़ताल करना अपनी बात रखने का अंतिम पैदान है। इसके पहले इसको लेकर जो असुविधा हुई, जो सुविधा आप खोज रहे थे, किसको किसको सूचित किए भूख हड़ताल पर बैठने से पहले? जी, पहले तो हम लोग लिखित रूप से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को दिए, उसके बाद दिए हमारा जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय को दिए, SDO साहब को दिए, इसके बाद स्थानीय हमारा BDO होता है, CO होता है, वहाँ दिए। मैंने प्रक्रिया हमारा जितना भी इस नीचे स्तर से ऊपर स्तर है हम लोग किए। कुछ आश्वासन मिला क्या? कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ हमारा जो चिट्ठी है वो सिर्फ पड़ा रहा एक साल से। उसके फिर रिमाइंडर हम लोग किए, रिमाइंडर का कोई जवाब नहीं। उस पुल की उपयोगिता क्या है जिसे बनाई जा रही है? जी, जो विपरीत जो हमारा वहाँ पर पुल बनाया जा रहा है, जो श्मशान घाट बनाने का अनुशंसा करना चाहिए था, जिसको लाड़ के आप जानते हैं जो भी कोई अगर मरता है तो वहीं पर जाता है, लास्ट हमारा घर वहीं है, तो वहीं जब जाता है तो वही सवाल उठता है क्या मुखिया जी हम लोग का श्मशान घाट ऐसे रहेगा? तो तब हम लोग वहीं पर पान ले लिए कि नहीं, श्मशान घाट तो बनना चाहिए। जब हमारा घर में इतना बढ़िया से टाइल्स मार्बल जब हम लोग जिंदा रहते हैं तो बनाते हैं अंतिम श्मशान घाट में। जानते हैं कल हमारा पंचायत में गाँव में एक आदमी मरा और 11:30 बजे आपका वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ। काल क्या दुर्योग था बताइए आप, बारिश हो रही थी वहाँ पर, क्या स्थिति था, जाइए इतना कीचड़ था।
तो वहाँ किया वो किस परिस्थिति में वहाँ अंतिम संस्कार किया बताइए, और ठहरने का जगह नहीं है। और जो हम लोग का पंचायत से शेड बना हुआ है, आपका घाट बना हुआ है, जो आपका चापाकल बना हुआ है उसको कर दे रहा है। कारण कि वो पुल बना रहा है, उसमें असुविधा होगा पुल का। तो पुल रोक रहे हैं थोड़ा आपको, पुल का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि उस क्षेत्र का विकास हो, लोग यहाँ से वहाँ जा सकें, तो आप इसके विरोध में क्यों? विरोध नहीं है, हम लोग विकास का विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहाँ पुल बनना चाहिए। वहाँ दो एक तरफ खदान है, एक तरफ खदान है और दूसरा तरफ आपका पहाड़ है, तो कहाँ आने जाने का रास्ता है? रास्ता नहीं है, वो आपका एक जुड़िया है, वो जुड़िया दो एक तरफ खदान है, एक तरफ पहाड़ है, और बीच आर बगल में हमारा शमशान है, तो शमशान का वो जगह है, वो आपका कोई पुल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा सरकार का, हमारा जनता का पैसा जो टैक्स है, हम लोग टैक्स से देते हैं, वो पूरा पूरी दुरुपयोग है। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे, चूंकि जब भी कभी ऐसा माहौल बनता है, लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं, तो अनेक पार्टियों के नेता वहाँ आते हैं मिलने के लिए, क्रेडिट हमें मिल जाए, जनता का सहानुभूति हमें मिले, अभी तक कौन कौन आया आपसे मिलने? देखिए यहाँ का तो परिस्थिति आप जानते हैं, आज जो राजनीति चल रहा है अपने आप में, देखिए इसलिए तो हम ग्रामीण उन्नयन समिति के बैनर में बैठे, हम लोग कोई इसमें नहीं बैठे, कोई बैनर में राजनीतिक दल में नहीं बैठे, गांव का बैनर लेके बैठे। इसमें हर राजनीतिक दल को पढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। अरे हम सब भूख पर हड़ताल पर बैठे, मामूली बात थोड़े, जान को देने जा रहा है, एक तो जान जाने जाने का बात है ना। बहुत सारे ग्रामीण आपके साथ हैं, इन लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? इन लोग का बहुत, देखिए गांव का बहुत सहयोग मेरा साथ रहता है, इसलिए हम लोग को 3 बार लगातार बना रहा है, और हर समय जहां पर भी मेरा आंदोलन होता है गांव साथ रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है, कोई राजनेता कोई पार्टी से हो कोई सपोर्ट नहीं करता है। पिछले 1.5 महीना में हम लोग एक पानी के लेके 4-5 मुद्दा को लेकर MPL में बैठे थे, कोई आके सपोर्ट नहीं किया, उल्टा क्या किया, हम लोग उखाड़ने का काम किया, यहाँ के जनता को काम ना है उसका काम किया गया। चलिए हमारी मंगल कामना है कि आपकी बात पूर्ण हो। सामान्यतः जब आप देखेंगे तो नजारा कमोबेश यही रहेगा, जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ देखेंगे कि उसकी उपयोगिता कितनी है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उससे अपना विकास कितना हो उस पर अधिक ध्यान देते हैं। इसलिए तो गाँव में सड़क नहीं, जंगलों में PCC सड़क बनाई जाती है, जहां पुल का निर्माण होना चाहिए वो अधर में लटका हुआ है, और जहां से अपनी विकास हो वहां के कार्य तेजी से की जाती है। अब यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह प्रखंड कार्यालय में धरना पर बैठे हैं, बगल में ही हम चाहेंगे हमारे साथी आपको दिखा दें, प्रखंड विकास पदाधिकारी का यहाँ कार्यालय है, अंचल अधिकारी का यहाँ कार्यालय है, ये लोग कब तक आते हैं और इन्हें मनाते हैं ताकि उस जगह का सौंदर्यीकरण किया जाए, उस जगह को बचाया जाए जिसके लिए ये अमरन अनशन पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं। कुछ समय के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या रहता है स्थिति यहाँ की और क्या है यहाँ के पदाधिकारियों का रवैया। फिलहाल मुझे दीजिए आप यहाँ अनुमति। नमस्कार।